ग्वालियर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां बाइक से घर जा रहे युवक को तेज रफ्तार डंपर ने कुचल दिया। इस एक्सीडेंट में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक्सीडेंट की घटना पास में लगी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। डंपर चालक युवक को 50 मीटर तक घसीट ले गया। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। भीड़ देखकर डंपर चालक मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मुरार थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित भीड़ को समझे में जुट गई। काफी देर समझाने के बाद भीड़ को पुलिस ने कंट्रोल किया। यह हादसा मुरार थाना क्षेत्र के बड़ा गांव खुदेरी हाईवे के पास का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरे ओवरलोड गाड़ी आ रही थी, नो एंट्री और बेकाबू तेज गाड़ी चल रही थी, इस चक्कर से वो एक्सीडेंट हो गया तो फौर पे मृत्यु हो गई थी। वो गाड़ी वाला भगा के ले जा रहा था, उसमें तो गाड़ी फंस गई, इसलिए वो भगा के नहीं ले पाया था। और नो एंट्री में गाड़ी चल रही है, पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही रही है इसमें। अगर वो चाहते तो एक्सीडेंट नहीं होता, आज मृत्यु नहीं होती। ये प्रदीप राजपूत है, मुरार से ही आ रहा था, अपने घर आ रहा था, घर के लिए मुड़ा रहा, टर्न लिया था, टर्न लेके वो गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी, ताकि एक्सीडेंट दे दिया। इनकी उम्र है 26 साल का है, जॉब करता था, प्राइवेट जॉब करता था। घर में परिवार में फैमिली है और फैमिली पर भैया है, भैया के लड़के हैं, सब है, उनके लिए कार्य करता था अपना। आई के डंपर से मोटरसाइकिल चालक का एक्सीडेंट हो गया था, इसमें उसकी डेथ हो गई है। और यहाँ पर सूचना मिलने पर हम लोग आ गए हैं और थोड़ा सा चूँकि घटना एकदम दुखद रहता है तो लोग आसपास के परिजन जो हैं वो आवेश में थे, उनको समझाइश दी गई है और सबको डेटा से रवाना कर दिया गया है और इसमें कार्रवाई की जा रही है।